मुझे आज आपसे बहुत सारी बात करनी है। ऐसा है, अभी मैं दरबार में बैठा हूं, मैं तुझे बाद में बात करूंगा तुझसे। भैया दरबार से बड़ी भी कोई चीज है, हमेशा आप 24 घंटे दरबार में लगे रहते हो। आपने अपने परिवार के बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर दिया है, और या फिर जानबूझकर आपने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। विक्रम, राजा के लिए प्रजा भी बराबर होती है। बड़े भाई, राजा के लिए प्रजा बराबर होती है। मैं मानता हूं कि प्रजा भी राजा की पुत्र समान होती है, लेकिन जिस घर के अंदर दीमक लगी हो उस घर को गिरने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, और हमारे घर के अंदर दीमक इतनी लग चुकी है कि आप नारी के मोह में अंधे हो गए हो, और तुम्हें पता नहीं है कि घर पे हमारी जो भाभी है वो किस तरीका से हमारे कुल को कलंकित कर रही है। अच्छा, बिल्कुल ही, आज जब मैं स्कूल से आया हूं तो बीच में छुट्टी में मैं आधी छुट्टी में घर आ गया, और जो आज भैया मैंने घर पर देखा है ना, वो नजारा या तो तुम्हें पता नहीं है या फिर जानबूझकर तुम अंधे बन रहे हो। अच्छा हाँ, अच्छा तू अपनी बात कह दे, फिर मैं तुझे बताता हूँ। सुन लो, कह दे अपनी बात। और मेरी पतिवरे तारानी क्यों विक्रम दोष लगावे से। नहीं भैया, मेरी पतिवरे तारानी क्यों विक्रम दोष लगावे से। अरे ओ भैया तेरी पिंगला रानी, ओ भैया तेरी पिंगला रानी भारी जुलम कमावे से। मेरी पतिवरे सम्राट हो, और आपको शोभा नहीं देता कि आप अपनी रानी के मोह में फंसकर अपनी आंखों पर पर्दा, जो आप कह रहे हैं ना पतिव्रता रानी। हाँ, अगर इन्हीं का नाम में पतिव्रता है ना, तो हिंदुस्तान में कहीं पतिव्रता है ही नहीं। मुझे पता है, मुझे पता है तेरी भाभी ने तुझसे कुछ। मुझसे मेरी भाभी ने कुछ नहीं कहा। कहा कही तेरे आते? मैंने ना कही, एक बाल्टी पानी भर दे। बाल्टी पानी तो आज मैं भरवा दूंगा। एक बाल्टी पानी भरने की तो ते कहा कह दी तू, उल्टो अपनी भाभी यही दोष लगा रहे हो। सुन ले मेरी बात, वो पतिव्रता धर्म निभाती है। नेम टेम पे कटके वो पतिव्रता धर्म निभाती है। तेरी गैर हाजरी में वो, तेरी गैर हाजरी में वो
परसार बिछानी है बिना मेरे दर्शन किए वो, बिना मेरे दर्शन किए वो खाना तक न खाती है। मेरी समझ में ना आती तू क्यों ना खोल बतावे से, मेरी समझ में ना आती तू क्यों ना खोल बतावे से। कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है, हाँ, कि नार बड़ी नौरंगी है। अच्छा, नार बड़ी नौरंगी है, नौरंगी ना सौरंगी है, और चाहे तो सारे कुल को ढक दे और नहीं तो नंगी की नंगी है। अच्छा, हाँ, तुम्हें भाभी की बातों में ज्यादा मत आओ। मैं समझ रहा हूँ, तो चटनी के संग लेनी घो ना दियो ना, अभी भी आखन पे से आज बिना सब्जी के रोटी दे दिए तो यही मार अपनी भाभी पर भड़क रहो तू। मैं बता दूंगा सब बात। अच्छा, हाँ, कह दे अपनी बात। ऐसी ओछी बात बना के मत ना मुझको तंग करे, ऐसी ओछी बात बना के मत ना मुझको तंग करे। वो यार के संग में मौज उड़ाती, यार के संग में मौज उड़ाती तेरा फीका रंग करे। यार के संग में मौज उड़ावे बहुत जोर से, तो पे कहा सबूत है या बात को बता, कैमरा लगवा रखा मैंने। अच्छा, यार कौन सा हो तेरी भाभी को बताइए। यार भी बगल में ही बैठे हो। हाँ। अच्छा, हाँ ठीक है, कह दे अपनी बात। ऐसी ओछी बात सुना के मत ना मुझको तंग करे, ऐसी ओछी बात सुना के मत ना मुझको तंग करे। वो यार के संग में मौज उड़ाती, यार के संग में मौज उड़ाती तेरा फीका रंग करे। घर के झूठी बात ने विक्रम मत ना मुझको तंग करे, तू कर के झूठी बात ने विक्रम मत ना मुझको तंग करे। इसमें झूठ नहीं रत्ती भर, इसमें झूठ नहीं रत्ती भर, कसम वीर तेरा खावे से। आजकल झूठी कसम भी खा जा भैया जी। बिल्कुल, आज भाई की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। तू मुंह में रिया में बजवान चारो है, तेरे ऊपर अपने घर बेगाल लूं मैं। तुझे बड़े भाई आपको
आज की डेट में इस रूप कला से ज्यादा कोई अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा हाँ, इसके पीछे जो तुम्हें ऐसो है हाँ, जो ज्यादा बकवाद करी ना कर। आज का बोला याद रखिए, आज का बोला याद रखिए, तू अपने विक्रम भाई का और दुनिया में से खो देगा, तुझे बहन लगाएगा। अच्छा हाँ, तेरी उसकी राड हुई तू, तेरी उसकी राड हुई तू, पिटवाना इसे चाहा वैसे, तेरी इसकी राड हुई तू, पिटवाना इसे चाहा वैसे। एक मिनट, जो कह रही तेरी उसकी राड हुई तू, पिटवाना उसे चाहवे थे। अभी मो बता दी, मो याने सुबह ही बता दी नुक, एक तो एक बाल्टी पानी की कही मैंने आते नाने को, मिनकी एक बाल्टी पानी लिया, एक रोटी में घी ना धरे फट नाट को, और नुक आज चटनी के संग लियोनी ना दियो तो वाके ऊपर याने गाल फुला। भैया मुझे क्यों लियोनी मिलेगी, लियोनी तो यार मिलेगी, यार यार है हाँ, पांच पांच किलो के सगरे घो से टको। अच्छा पता ही ना पड़ रही तो। अच्छा पीपा के पीपा खाली पड़े, कह दे अपनी सुन ले। और ने कही होती तो अब तक मैं उसकी जबान खींच लेता, तू मेरा छोटा भाई है इसलिए मैं तुझे माफ करता हूं। देख कोई भाई भाई नहीं है तुम्हारी नजरों में, ना तुम्हारी नजरों में कोई भाई है और ना भाई था, तुम्हारी नजरों में सिर्फ लुगाई है। एक बात बताऊं हाँ, नीट सीट तो मेरा ब्याह हुए हो। देखिए विक्रमी महाराज, मुझे पता है कि जो अपराध तुम मुझे सोच रहे हो कि मैं अपराध कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता थी कि मैं सच्चाई अगर अपने भाई से कहूंगा तो तलवार मेरी गर्दन पर होगी, क्योंकि तुम्हें अपनी घरवाली का भरोसा है, अपने माँ जाए भाई का भरोसा नहीं है। आज मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं स्कूल से आया तो अच्छा, मैं घर पर क्या देखा। अच्छा हाँ। कह दे, बता दे। से ज्यादा बढ़े तेरे, मत ऐसा आरोप लगावे हद से ज्यादा बढ़े तेरे। यौवन में मद होते दोनों, यौवन में मद होते दोनों, तेरे पलंग के जड़ गए। झूठा दोष लगावे मत ना, झूठी बात खड़ी तेरे, झूठा दोष तू हाँ।
याने सगड़ी तो ऐसी की तैसी कर दी, अब नो करो सरा मारियो। झूठ बोल रहे सारी बात तन्ने, सारी बात कैमरा में रिकॉर्ड है, कैमरा में, कैमरा में तो रिकॉर्ड है। हाँ, आज ये भाभी जो इतनी ना बोल रही है ना, तो यही मारे ना बोल रही है कि कैमरा लग रहा है। मैं नो कह रहा हूँ, तू झटके झटके लगा ले, मैं ना छोड़ रहा यार भैया, मैं अपनो घर ना बिगाड़ना। आप नहीं छोड़ोगे, मुझे पता थी, मुझे पता थी। बड़े बूढ़े कहते हैं तू कुब्बी मैं कुब्बा, तू कुब्बी मैं कुब्बा, दो घर डूबते एक ही डुब्बम डुब्बा। हमारा तो राजपाट आज चल रहा ना कल, और मुझे पता है कि मुझे तुम सजा दोगे। ऐसा है तो यार घर में अपना बखत फोन न हो तो चुपचाप अपना बखत फोन ले, मैं ना फोन रूपए तो चले जाऊंगा। और जैसी रूखी सूखी तो मिले अपनी ने चुप खा ले। अच्छा, हाँ समझा रहा हूँ। तो फिर इससे ज्यादा और कहूंगे, इससे ज्यादा और कहूंगे, शर्म घनी मने आवे से। तने कसर कौन सी, तने कसर कौन सी, तने कसर कौन सी, राख दई तू बिल्कुल ना शर्मावे से। तने कसर कौन सी, राख दई तू बिल्कुल ना शर्मावे। मैंने खुद किसी के कान सुनी, किसी की देखी, बात नहीं कर रहा हूं मैं। और अंतिम बात कह रहा हूं, अंतिम चेत जाओ, गलत फहमी में मत रहो, कोई कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई झूठा संसार है, झूठे रिश्ते नाते हैं। आप सच्ची बात मानो मेरी, इन्हीं औरत जात ने बड़े बड़े युद्ध करवा दिए, बड़े बड़े घर बर्बाद करवा दिए, अब भी समझ जाओ। अच्छा, हाँ, दोस्त तो इस जमाने को क्या हो गया, 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 जिसको चाहा वही बेवफा जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। और इस रागनी पर खुश होकर ढाल सिंह ठाकुर जी, ढाल सिंह ठाकुर साहब 51 रुपए से हमारा सम्मान करते, बहुत बहुत धन्यवाद ढाल सिंह ठाकुर जी। और एक बार दानी दाताओं के लिए आप की ओर से जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार तालियां। और 200 रुपए पहले दो बार, और 200 रुपए और हमारे बड़े भाई ठाकुर साहब भाटी जी, जितेंद्र भाटी जी 200 रुपए दे गए थे, मैं भूल गया बीच में, माफी चाहूंगा। सभी दानदाताओं को तहे दिल से धन्यवाद। अभी जांच करवाता हूँ, अभी जांच करवाता हूँ, मने दुखती छाती सेक लई, अभी जांच करवाता हूँ, मने दुखती छाती सेक लई। मारी इज्जत भाभी ने रे, मारी इज्जत भाभी ने इस कोतवाल को बेच दई। बता दी, अब तो समझ जाओ, कोतवाल वैसे मोते तो इतनो मलूक तो है ना। जाओगे चेत जाओगे टाइम पे, क्योंकि ये भाभी जो इतनी बंठन के बैठी है ना, और ये कोतवाल जो आके
बराबर में शरीफ बन के बैठो। आज ही कमीज पहन रहा कि नहीं, सफारी सूट पहन रहा आजकल। मैं तो जो कह रहा हूँ या नहीं पसंद कैसे कर लियो, यू कारो बच में बूढ़ा पक। ये ऐसे ही होता है बस। और मैं राजा नहीं हूँ, एक मामूली नौकर। नहीं कोई बात नहीं है, मेरी गवाही भी दीपचंद दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ चल विक्रम, हाँ भाई को विश्वास करना पड़ेगा जब तू इतनी बात कह रहा हो, तो कह दे अपनी बात। कोतवाल को बेच दई की मामूली, की मामूली नौकर ने निगाह बेशर्मी पे टेक दई। की मामूली नौकर ने निगाह बेशर्मी पे टेक दई। मार के सती हो जान दुनिया कहती आवे से, हसम मार के सती हो जान दुनिया कहती आवे से। ओ भैया तेरी पिंगला रानी, ओ भैया तेरी पिंगला रानी, भारी जुल कमावे से। मेरी पतिवर ताराइनी क्यों विक्रम दोष लगा, धन्यवाद।